हेलो गाई, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के न्यू ब्लॉग में। और सभी लोगों को हैप्पी होली। इधर मैं तैयारी कर रही थी, सब होली का मिठाई बनाने के लिए खोवा जला रही थी। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। पूरा वीडियो देखना गाई, मैं क्या क्या बनाई हूँ पूरा आप लोग के साथ शेयर की हूँ। लास्ट तक देखना वीडियो। इधर मैं खोवा रेडी कर रही थी, एक दिन पहले का था, और मैं फिर दूसरे दिन भी खोवा जलाई थी। ये सब मेरे पूरा वीडियो में है। और सभी लोगों को हैप्पी होली। आज तो होलिका दहन है, कल होली है। पूरा वीडियो देखना प्लीज़। हेलो गाइज, और आज आपको बता रहे हैं एक तार की चाशनी गुलाब जामुन के लिए कैसे बनती है। इसको गुलाब जामुन या जलेबी किसी में आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें हम एक कटोरी चीनी डाल दिए हैं, उसी कटोरी से दो कटोरी डाल दिए हैं। अब जिस कटोरी से हम पानी डाले इसमें हैं, चीनी डाले हैं सॉरी, उसी कटोरी से हमको एक कटोरी इसमें पानी डालना है। अब इसमें एक कटोरी पानी डालना है। गैस कर देना है चालू, थोड़ा इसको धीमा ही रखना है। इसको हमको चलाते रहना कि ये पिघल जाए, जल्दी से नीचे पकड़े ना। इसको गाइस हमें ऐसे चलाते रहना है। इधर चीनी सब पिघल गई है। अब गैस ऊपर देते थोड़ा खास, ज़्यादा टाइम नहीं लगता गाइस, ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। इधर गाइस चाशनी मेरी पक रही है। अब इसको 5-6 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा टाइम तक नहीं। और इसमें थोड़ा अच्छा स्वाद लाने के लिए इलायची पाउडर थोड़ा डाल देंगे। अब गाइस इसको देखने के लिए, चेक करने के लिए कि हमारी पक चुकी नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसे लेके इसमें रखना है। इसको हाथ से थोड़ा ठंडा हो जाने दें। इसको 15 हमारी चाशनी हो गई है रेडी। चाशनी हो गई रेडी, अब इसको करेंगे बंद। गैस इधर गाइस, कल जो मैं खोवा बनाई थी ये इसमें डालूंगी, भुजिया में ये जो बना के आज रखी हूँ ये डालूँगी गुलाब जामुन। आज मैं सब अपना मिठाई बना के रेडी करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखो मैं क्या क्या होली को बना रही हूँ। इधर गाइस मेरा खोवा ठंडा हो गया है। अब मैं ये जो गुलाब जामुन का पाउडर लेके आई हूँ ना, इसी में मिक्स करूँगी। छोटा छोटा दो पैकेट था गाइस, अब इसको मैं दोनों को मिला के अब इसको धीरे धीरे इसमें मिलाऊंगी। इसको हाथ से मिलाने से गाइस पूरा खोवा मिक्स करने के बाद अभी सूखा है इसका, क्योंकि लोई नहीं बन सकता। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देना, क्योंकि पानी नहीं तो खराब हो जाएगा इसका टेस्ट। मेरा घर आटा गुलाब जामुन को हो गया घूप के लिए, मैं छोटा छोटा ले करके घर बना रही हूँ। घर पर रखी गर्म होने के लिए। वह मेरा चाशनी रेडी है, मेरा गुलाब जामुन छक गई है। कितना सुंदर सुंदर कलर हो गया, सुनहरा सुनहरा। इधर गाय जितना हो गया रेडी, इतना अभी पक रहा है, अभी इतना को पकाना है। इसके बाद इधर फिर ये गुजिया बनाने का मटेरियल रेडी होने जा रहा है। इधर बेटी ड्राई फ्रूट्स कट कर रही है। अभी इधर ये सब कट करके इसमें डालना है। आज समझ लो दिन भर ये काम चलता रहेगा। इधर गुजिया का भी सब इसमें ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल दें, खोवा डाल दें, उसको जा रही है मिक्स करने। अब बेटी ड्राई फ्रूट्स काटते काटते अब जा रही है गुजिया का आटा गूंथ रही है, क्योंकि मेरा भी सब काम पड़ा है। मुझे नहाना, कपड़ा धोना है, मतलब ये सब रेडी कर लूँगी ना, तब नहाने के बाद धीरे धीरे इसको बनाएंगे। ये क्योंकि गुलाब जामुन बन के हो गई रेडी है, अब करना है इसको मिला लूँ सही से।
गाइस नहा बाकी मेरा हो गया अब तैयारी बनाने। मेरे पास सांचा नहीं है, अभी मैं दूसरा आपको बना के दिखाऊंगी। ये ऐसा कर करके मैं उसको फोल्ड कर रही हूँ। उसका सांचा होता है उसे भर भर के अच्छे से हो जाता है, मेरे पास है नहीं, मैं ऐसे ही भर रही हूँ। मेरे बेटी घर पट्टी बना रही है। सुबह से सिम लगे हैं, अभी तो मैं बाइक कैमरा नहीं की थी, इधर मैं बनाना चालू की हूँ। थोड़ा सा इसको देख रही थी, वो ना थोड़ा सा तेल है इसमें डाल रही थी, देखूँ ये इसका मुँह खुलेगा तो नहीं, क्योंकि इसको बनाते समय हो सकता है इसका मुँह खुल जाए। मैं ट्राई करने के लिए थोड़ा सा दो चार बनाई हूँ, उसको मैं छान के देख रही हूँ। मुझे सब सांचा रहता था ना, उसको दबा दबा के मैं बना रही थी और मैं भूल गई। एक लोग मेरे बाजू में था, उनसे मांग के काम चला लगी, एक लोग छोड़ के चले गए हैं, इसलिए मुझे मैं फिर ना दो तीन साल से रेडीमेड मंगाती थी, मुझे बहुत अच्छा भी लगता था वो रेडीमेड वाला। अभी इस साल ऐसा मूड हो गया कि ऐसे बनाने का, तो अभी मुझे याद आया, मैं अभी अभी जब सब कुछ रेडी कर ली तो मैं बेटे से बोली कि अरे मेरे पास तो बनाने के लिए है नहीं है सांचा, कैसे बनाएंगे। आज के दिन इसी में बीत गया। उसको देखेंगे ना कि फट रहा है कि नहीं फट रहा है, हो जा रहा है गाइस मेरे, देखो फट तो नहीं रहा है। अब इसी तरह मैं पूरा बनाऊंगी, जैसे बिना सांचा हम बना रहे हैं ऐसा, मतलब मेरी बेटी बोल नहीं बनाई है ऐसा बनाई है। उसको बनाने के बाद ना अब इसके हम अब इसके बीच में जो भी इसका बना के रखे हैं मटेरियल इसको उसको रखेंगे। अभी मैं क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा ना, मैं ऐसा दिखा नहीं पा रही थी प्रूफ की मैं इसको बना रही हूँ। अब इसको मैं कवर कर रही हूँ, बंद करना। अब इसको हम कवर कर दिए ना, अब कवर करने के बाद इसका ये जहाँ से है ये यहीं से इसको ऐसे से दबा देंगे, वो जो बाहरी हिस्सा उसको नहीं, ऐसे ही इसको दबा देंगे और फिर यहीं से इसको ऐसे ऐसे चूनट लगाना चालू कर देंगे। मुझे तो पहले समझ नहीं आया कैसे बनाऊँ मैं, अभी ऐसे ही करके ना, क्योंकि जो रेडीमेड आता था तो मैं उसको देखती थी ऐसे उसके मुँह पे लो करके बंद कर देती थी, ऐसा गोल का बन जा रहा है। अगर नहीं है तो ऐसे बना सकते हो अच्छे से। इधर गाइस सब बन के हो गया रेडी, सुबह से मेहनत करते करते सब हो गया रेडी। आज का मेरा ब्लॉग कैसा है कमेंट में जरूर बताना, और सभी लोगों को गाइस एडवांस में हैप्पी होली। आज शाम को होलिका दहन है, घर तो होता नहीं है लेकिन उनको को लगाने का रस्म करते हैं। बेटा अब बोलेंगे कल के ब्लॉग की, बाय बाय।